गुरुग्राम लोकसभा सीट जेजेपी प्रत्याशी राहुल यादव फाजिलपुरिया लगाकर लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इस कड़ी में उन्होंने नूह के कई गांव का दौरा कर लोगों से अपने लिए वोट की अपील की। इस दौरान राहुल यादव फाजिलपुरिया ने कहा कि वे राजनीति में नाम कमाने नहीं बल्कि लोगों के काम करने आए हैं। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधा और कहा कि पिछले 20 साल में गुरुग्राम में किसी तरह के विकास कार्य नहीं हुए हैं। राजा रजवाड़ा वाली राजनीति करी है, 20 साल से आए भी नहीं है इनके बीच में। आज 75 साल हो गए हैं, लेकिन नूह में बात आज भी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। इनके पास वो कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं जो इनके पास होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, पीने को पानी भी नहीं है। कहने को देश आज़ाद हो गया, लेकिन लगता है कि नूह में बात आज भी गुलाम है। मैं नाम कमाने नहीं आया, मैं लोगों के काम करने आया। नाम तो भगवान की दुआ से आज मेहनत करके काफ़ी है, लेकिन अभी समय आया है कि जो पब्लिक ने प्यार दिया है, मेरे गानों को प्यार दिया, मेरे काम को प्यार दिया है, मैं अब की बार वो राजनीति में आके उनका काम करके उनको वापस लौटाऊं। जो अगर ये ताकत मेरे को मिली तो पूरी लोकसभा के अंदर वो काम करके दिखाऊं जो पिछले 20 सालों में सोचे भी नहीं गए। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बच्चों के स्कूल के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए। आज गाँव के अंदर हमारे बड़े बुजुर्ग परेशान हैं, गर्मी के अंदर रोड पर बैठे रहे, उनके लिए अच्छी लाइब्रेरी बनाएंगे जो उसमें बैठ के पढ़ पाए। बच्चों के लिए लैब्स बनाएंगे जिनमें कंप्यूटर क्लासेस लें। यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे जो पिछले 15 साल से अनाउंस तो ये बनी नहीं। हॉस्पिटल्स बनाएंगे जिन्हें तोड़ के पार्किंग बनाएंगे।